We're going to carry on where we stopped last week. जहाँ हम पिछले हफ्ते रुके थे वहीं से हम शुरू करेंगे. We began to speak on growing in faith last week. पिछले सप्ताह हमने विश्वास में बढ़ने के विषय में चर्चा किया था. Before that we spoke for 2 weeks on receiving the word of God, how we have to combine the word of God by faith. और उससे पहले हमने प्रभु के वचन को कैसे अपने हृदय में स्वीकार करना है और कैसे प्रभु के वचन को जोड़ करके देखना है उसके बारे में अध्ययन किया था. Receive the word of God by faith, and as we receive the word of God by faith, our faith also increases. और हम अपने प्रभु के वचन को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं और विश्वास हमारा वचन के ग्रहण करने से बढ़ता है. There's no limit to faith. और विश्वास की कोई सीमा नहीं. It's basis by which we live as Christians. और यही आधार है जिसके द्वारा हम मसीही जीवन में जीते. Romans 1:17 says, "The righteous or the just shall live by faith." रोमियो 1:17 में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. And the primary purpose why we need more faith is to please God, and by pleasing God, to walk with God. और विश्वास की हमें क्यों आवश्यकता है, इसका प्राथमिक कारण यही है कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें और प्रसन्न करने के द्वारा से परमेश्वर के साथ चलें. Enoch walked with God for 300 years. और हानोक प्रभु के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा. And 11th chapter of Hebrews verse 5 and 6 give us the key to how we is able to walk with God. और इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 5वीं और 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं कि कैसे हानोक प्रभु के साथ चलता था. By faith, Enoch was taken from his life. He didn't experience death because God took him away. विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा. देखे. Before he was commended as one who pleased God. और इससे पहले कि वो उठा लिया गया, हम देखते हैं इस बात की गवाही दी गई है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने. And without faith is impossible to please God. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. All of us are called to walk with God closely. There's a calling, a general calling for every Christian. और हम सबके लिए सामान्य पुकार परमेश्वर की ओर से यही है कि हम प्रभु के साथ साथ निकटता में चलें. To have a consistent walk with God, we should be consistently pleasing Him. हम लगातार प्रभु के साथ चलते रहें और प्रभु को प्रसन्न करते रहें लगातार. To please Him consistently, we should have unwavering faith, constant faith, sustained faith. और प्रभु को निरंतर प्रसन्न करने का तरीका यही है कि हमारा विश्वास का सुदृढ़ होना या ना भटकने वाला विश्वास होना. And last week we spoke about how we grow in faith. We spoke about 4 factors that help us grow in faith. और पिछली बार हमने देखा था कि हम विश्वास में कैसे बढ़ते हैं और उसके लिए हमने 4 विषयों के बारे में चर्चा किया था कि किस रीति से हम विश्वास में बढ़ते हैं. Number 1 is to pray for an increase of faith based on Luke 17:5 when the apostles told Jesus, increase our faith. लूका 17:5 के आधार पर हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, जैसा लुकास 17:5 में चेलों ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा. And the reason why they asked for more faith was to be able to forgive 7 times a day. और उन्होंने विश्वास इसीलिए बढ़ाने की बात कहा क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहते हैं कि इस दिन में 7 बार अपने भाई को कैसे क्षमा करें. Second resource for us to grow in faith is hearing the word of God. Faith comes from hearing God's word. Romans 10:17. और दूसरा जो जरिया हमने देखा हमारे विश्वास में बढ़ने का वो ये है कि परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनने के द्वारा से विश्वास में बढ़ना. As we obey, hear God's word, we understand God's word, we are called to obey God's word. और जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें आह्वान किया गया है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन भी करें. As we obey God's word, we face difficulties in life. और जब हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं. We'll face trials in life. हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं. And these trials are designed for our faith to be refined and made even stronger. और जब ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो इससे हमारा विश्वास निखरता है ताकि हम प्रभु में और सुदृढ़ स्थिर हो जाएं. The first letter of Peter very clearly identifies why we face trials in this world, why we face suffering in this world. और पहली पत्री जो पत्रस की है वो इस बात को हमें समझाती है कि कैसे हम परीक्षाओं में प्रभु के लिए स्थिर खड़े रह सकें. In 1 Peter chapter 1, 6 and 7 writes, while living in this world we have to suffer grief in all kinds of trials. और पहले पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में ऐसा लिखा है कि हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हम उदास होते हैं. These are come, there are faith,
of greater world and goal will prove genuine, may result in praise and glory and honor which is Christ revealed. और ये इसलिए होता है कि हमारा जो परखब और विश्वास है वो आग के ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक अधिक बहुमूल्य है। Like gold refined through fire, a faith gets refined through trials and suffering. और जैसे सोना आग में ताया जाता है, वैसे ही हमारा विश्वास प्रभु के प्रति विश्वास परीक्षाओं में स्थिर किया जाता है। No wonder Job wrote long time ago in Job 23 chapter verse 10, After he has tested me, I'll come forth like gold. और अय्यूब ने बहुत समय पहले अय्यूब 23 और 10 में कहा, वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। So trials come our way to refine our faith, first even more grow in faith. और परीक्षाएं हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि हम और विश्वास में स्थिर हो जाएं और निखर कर आएं सोने की तरह। And the fourth resource we looked at last week was how we remember God's faithfulness in the past, we'll have faith to face God's trials, today's trials in the present trials we face. और चौथा जो आधार है हमारे विश्वास में बढ़ने का वो ये है कि हम बीते समय में जो प्रभु ने हमारे साथ विश्वास योग्यता दर्शाई है उसे हम स्मरण करके आने वाली परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं। We looked at the example of Abraham. और फिर हमने अब्राहम के उदाहरण को देखा था। When God had told Abraham he's going to have a son in his old age, he by faith in what God spoke, he believed and became father of many of Isaac. और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुझे एक संतान होगा तो वो पूरी बूढ़े अवस्था में उसको एक संतान हुआ और प्रभु ने उसे जो वायदा किया था कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा वो उसने विश्वास किया। एंड थ्रू क्राइस्ट ऑल ऑफ अस हैव बिकम चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब अब्राहम की संतान हैं। एंड इन रोमन्स 4 चैप्टर फ्रॉम वर्स 18 वी रीड अगेंस्ट ऑल होप अब्राहम इन होप बिलीव्ड सो बिकेम फादर ऑफ मेनी नेशंस। और रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 18वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। अगेंस्ट ऑल होप बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस इन होप इन व्हाट गॉड स्पोक ही बिलीव्ड एंड देयरफॉर ही बिकेम फादर ऑफ मेनी नेशंस। भले उसकी परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन उसने परमेश्वर ने जो उससे कहा उसमें विश्वास किया और आशा रखा और वो हम देखते हैं कि बहुत सारी जातियों का पिता हो गया। And God is faithful to his promise and gave him a son Isaac and then God told him to offer Isaac as a sacrifice, as a burnt offering. और परमेश्वर पिता उसके अब्राहम के प्रति विश्वास योग्य रहे और जैसा उन्होंने उसको वायदा किया था उसको उन्होंने इसहाक का दान दिया पुत्र के रूप में। From the book of Hebrews 11 chapter 17 to 19 we understand how Abraham had the faith to be willing to offer Isaac as a sacrifice. और इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 17 आयत से आगे हम पढ़ते हैं कि अब्राहम परखे जाने के समय में इसहाक को उसने बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। He believed that God could raise Isaac from the ashes. और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर पिता इसको इसहाक को राख में से भी फिर एक मनुष्य के रूप में जीवित कर देंगे। Having had the experience of God being faithful to his promise earlier, He believes that even though Isaac is offered as a burnt offering, from the ashes God raised up a new Isaac. और बीते समय में उसने देख लिया था कि परमेश्वर ऐसे ये साथ कैसे विश्वासयोग्य बने रहे, इसीलिए उसको विश्वास था कि जब मैं इसको होम बलि करके चढ़ा दूंगा, तो भी उस राख के द्वारा से प्रभु इसको जीवित प्राणी बना देंगे। From this we understand how when we remember God's faithfulness to us in the past, based on what He has spoken, He will have faith today to believe what God says and act upon it. As Abraham willing to act upon it. और इस रीति से हम देखते हैं कि जब बीते समय में प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्यता दर्शाते हैं उनको हम स्मरण करके हम कैसे वर्तमान समय में प्रभु से आशा रख सकते हैं या हमारा विश्वास स्थिर रह सकता है प्रभु में। So remembering what God did to us in the past will give us the faith to face everything He tells us to do today because we go by past experience how God is faithful to all His good promises. और जब बीते समयों को हम अवलोकन करते हैं तो हम जानते हैं समझ पाते हैं कि कैसे प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य बने रहे बीते समय में, तब हम आगे जब प्रभु हमें आज्ञा दे रहे हैं तो उसकी आज्ञा मानने में विश्वास के साथ आज्ञा मानने में हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि बीते समय में वो विश्वास योग्य थे आज भी वो विश्वास योग्य है।
No wonder the psalmist says in Psalm 103 verse 2, forget not his benefits. Do not forget what God did to you in the past. और भजन संहिता 103 में भजनकार कहता है कि हे मेरे मन उसके किसी उपकार को न भूलना. And you know God is always faithful. He's always been faithful to all his good promises. और वो जानता था कि परमेश्वर हर एक जो उसने वायदे अच्छे वायदे किए हैं उसके लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी बना रहता है. Joshua reminded the Israelites about what happened when they came up to the land of Canaan. और यहोशू ने भी अपने जो इज़राइलियों को याद दिलाया कि कैसे जब कनान देश में वो आए थे कैसे स्थिति थी. In the book of Joshua, 23rd chapter, verse 14, he says, "You know, with all your heart, every good promise God has given you has been fulfilled, not one has failed." और यहोशू की पत्री उसके 23वें अध्याय की 14वीं 14th वर्स में वो ऐसा बोलता है, सुनो उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही और वे सब के सब तुम पर घट गईं. So when you remember his faithfulness in the past in terms of actions, him being faithful to whatever he spoke, then we will have faith today to face any crisis when God tells us to do something he wants us to do. तो जब हम बीते समय को अवलोकित करें तो उसमें हम देखेंगे परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अपने कार्यों में भरपूरी से हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहे तो हमें आगे बढ़ने में या अभी जो वर्तमान में आज्ञा प्रभु दे रहा है उसको मानने में हमारा विश्वास और दृढ़ता के साथ पक्का हो जाता है. So he must be remembering his works towards us, his grace towards us and his works as far as our lives are concerned. और परमेश्वर के कार्यों को हम स्मरण रखें, उनके वायदों को स्मरण रखें और जो उन्होंने वो कार्य हमारे जीवन में निरंतर कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं और उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ते जाएं. The fifth point I want to share with them, I'm going to speak today, fifth, sixth, seventh today. और पांचवी, छठी, सातवीं बात जो भाई आज हमसे बताना चाहते हैं. Remembering the things he spoke to us, not just what he did to us, remember what he spoke to us. और पांचवी बात जो है, जो प्रभु ने हमसे कहा उसे स्मरण करें, जो उसने हमारे लिए किया सिर्फ उसे ही नहीं, जो उसने हमसे कहा उसे भी हम स्मरण करें. A very interesting story in the Bible, in the Luke chapter 2, verses 22 to 25. लुका की अंजील उसका चैप्टर 8 उसका 8वां अध्याय और उसके 22-25 22 से लेकर के लुका 8 22 से आगे हम पढ़ेंगे. And we read about how, I'll just tell the story, it's a very familiar story. The Lord told the disciples, let us go to the other side of the lake. और ये जो कहानी है यहाँ पे जो दृष्टांत है वो प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें. They get into a boat. वो सब नाव में बैठ गए. It's somewhere in the northwest of the Lake of Galilee. और गलील के उत्तर पूर्वी भाग में वो लोग थे. And they're going towards the northeast actually, or the eastern side. और वो लगभग पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर जा रहे थे. And when I was in Israel, I actually measured the distance with the compass. It's about hardly 4 or 5 kilometers. और जब इज़राइलियों ने उसको बाद में नाप के देखा तो वो लगभग 4 या 5 किलोमीटर का ही एरिया था, यात्रा थी. In fact, we were staying in a hotel in Tiberias and I was the 7th floor and from the map I could make out where they left and where they were supposed to go and we checked the distance with the compass, it was about 3-4 kilometers, that's all. जब भाई वहाँ पे होटल में 7वें माले में रह रहे थे, ठहरे हुए थे, तो उन्होंने वहां से जब देखा और उसको कंपास से नाप कर देखा तो उन्होंने देखा कि ये 3 से 4 किलोमीटर का ही यात्रा थी. And the geography of that place is so such that topography is such that on the northwest side there's a slope from where suddenly the winds come down. और फिर जो उसका उत्तर पूर्व का जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वो कुछ ऐसा ऊंचाई में बना हुआ है कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊपर से नीचे ही बहाव आएगा. So as they get into the boat, suddenly there's a storm and Jesus by the time had gone fallen asleep. और जैसे वो लोग उस नाव में बैठे तो प्रभु सो गए थे और काफी बड़ा तूफान उठा उस झील में. He told the disciples, let us go to the other side of the lake. प्रभु ने तो कहा था चेलों से कि आओ हम पार चलें. And they're going in the boat. और झील के उस पार जाने के लिए वो नाव में चढ़े. And then there's a storm and there's a boat is being shuffled by the wind. और जब तूफान आ गया तो नाव में काफी तपेड़े लगने लगे. And the disciples get very upset and they sort of they get very nervous and panicking. और ये चेले डर गए और काफी भयभीत हो गए. And they wake up Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उठाया.
Lord, Lord, we're going to drown. प्रभु प्रभु हम तो देखो डूबना मरने जा रहे हैं, डूबने जा रहे हैं। The Lord gets up, he rebukes them. और प्रभु उठे और प्रभु ने उनको डांटा। He rebukes the winds and the waves and they die down, and then he rebuking the disciples, ye of little faith. प्रभु ने पहले आंधी तूफान को भी डांटा और लहरों को भी डांटा, उसके बाद फिर प्रभु ने उनको भी डांटा। Why did he rebuke them? प्रभु ने चेलों को क्यों डांटा? He didn't expect them to rebuke the winds and the waves as Jesus did. वो नहीं, प्रभु नहीं चाहते थे कि वो भी वैसे ही डांटे जैसे वो प्रभु ने इसको पानी और आंधी को डांटा। He expected them to believe what he had said. प्रभु ने सिर्फ इतना ही चाहा था उनसे कि वो विश्वास करें कि प्रभु ने उनसे क्या कहा है। Yes, sir, let us go to the lake. प्रभु ने इतना ही कहा था कि आओ हम झील के पार चलें, उस पार। Very short distance, few hours were taken. In within that few hours, they forgot what he said. If they're going to drown, we're going to drown. How can they drown? How can they drown when God says we're going to the other side of the lake? और जब वो 3-4 किलोमीटर का हिस्सा ही उनको पार करना है, कुछ समय, थोड़े समय की बात है, कुछ घंटों की बात है, और वो चिल्ला रहे हैं कि प्रभु हम डूबने वाले, डूबने वाले, कैसे डूब जाएंगे जब प्रभु ने उनसे कहा कि आओ हम पार चलें। Did they think the Lord got them to get them just down half the way? और कैसे फिर प्रभु उनको आधे रास्ते में डुबा दें? They expected to believe that when he said we're going to go there, we're going to reach there. So, प्रभु ने जब उनसे कहा कि आओ हम पार चलें, इसका अर्थ यह है कि हम पार पहुंचेंगे। He rebuked them for not believing what he had said. We are going to go there. If I say we're going to go there, we're going to reach there. We're not going to get drowned halfway. So, प्रभु ने उनको यही इसलिए उनको डांटा कि प्रभु ने कहा आओ हम पार चलें। इसका मतलब यह है कि मैं वहां जा रहा हूं, हम वहां पहुंचेंगे, हम बीच में आधे रास्ते में फिर कैसे डूब जाएंगे? Any case, how can they get drowned? They're all fishermen. Fishermen know how to swim, no? और फिर ये तो सबके सब मछुआरे थे, ये लोग तो तैरना जानते थे, ये कैसे डूब जाएंगे? The lake galley was the livelihood. They all knew how to swim. Every fisherman knows how to swim. और ये जो झील है वो उसको तो तैर के पार किया जा सकता है, और ये सब मछुआरे थे, ये सब तैर सकते थे. So they were looking at the circumstances, and they got panicked, they got anxious, and forgot what the Lord had said. और ये परिस्थितियों को देखकर डर गए और प्रभु ने क्या कहा उसको भूल गए और चिल्लाने लगे। That's why rebuked them for lack of faith in believing what he had said. इसलिए प्रभु ने उनको डांटा कि उनका विश्वास की घटी के कारण से। And he expected them to just believe what he said and not wake him up from sleep. प्रभु ने उनको ये चाहा कि वो सिर्फ विश्वास करें, इसलिए नहीं डांटा कि प्रभु को उन्होंने क्यों उठा दिया। If the storm was too much, they expected they don't like the storm, close their eyes and keep quiet. Don't wake up Jesus. और अगर तूफान इतना तेज आ रहा था तो अपनी आंखें बंद कर लेते, तूफान को मत देखते, प्रभु यीशु मसीह को लेकिन उठाते नहीं। Those days when I used to have a car, I used to drive quite fast. Those days, my mother used to sit in the back seat and she get very nervous when I drive my car because I used to drive very fast. और भाई कहते हैं कि जब मैं अपनी गाड़ी चलाता था, कार, तो मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता था और मेरी माँ जो पीछे बैठी रहती थी वो बहुत भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। My wife is used to my driving. She is cool. She knows nothing will happen. और मेरी पत्नी जो है वो अच्छे से जानती थी कि मैं कैसा गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए वो शांति से बैठी रहती थी। Mother was very old. She is about 85-90 and she died. She was 91, almost 91. और मेरी माँ जो थी वो 80-85 साल की थी और वो काफी बूढ़ी अवस्था में थी, इसलिए वो डर जाती थी। She used to tell me that you reverse faster than people drive forward. और वो ये कहती थी कि तू इतनी तेज गाड़ी उल्टा पीछे की तरफ ले जाते हो जितना लोग आगे की तरफ ले जाते हैं तेजी। And I told her, if you don't like when driving, just close your eyes. और फिर भाई कहते थे कि जब तुमको डर लगता है मेरी गाड़ी चलाने से तो अपनी आंखें बंद कर लो। And she closed her eyes. तो वो आंखें बंद कर लेती। And never got worried after that. उसके बाद वो चिंता नहीं करते। So I think that is a simple formula for these fellows. They should have just closed their eyes and believe what Jesus said. तो इसलिए भाई कहते हैं कि इन चेलों को भी आंखें बंद कर लेना चाहिए था और तूफान को नहीं देखना था। Remember, just Lord said, we're going to go there, we're going to reach there. जब प्रभु ने उनसे कहा कि हम पार जाएंगे, इसका मतलब है कि हम पार जाएंगे। And so many Christians worry about the future, not believing what the Lord has said. What has he said to all of us? बहुत सारे मसीही लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि प्रभु ने, और उस बात पर यकीन नहीं करते कि प्रभु ने हमसे क्या कहा। यर्मिया 29 और उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. और वो कहते हैं कि मैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं
वरन तुम्हारे कुशल ही की हैं। We are not supposed to worry at all. Matthew 6:25. Do not worry about your life. Very simple instruction. और मत्ती 6:26 में हम पढ़ते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो। So when God speaks to us, as He spoke to the disciples, let's go to the lake. They should have believed it and acted upon it, not woken up Jesus. तो जब प्रभु ने उनसे कहा कि हम पार जाएंगे, तो वो पार जाएंगे, बीच में नहीं डूबेंगे, बल्कि प्रभु को उठाने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। In a matter of couple of hours, they forgot what he said and they woke him up from sleep. कुछ ही समय में, थोड़े से समय में, कुछ घंटे में ही वो सब कुछ भूल भाल गए और भयभीत हो गए और प्रभु को उठा भी दिया। Now you know all the word of God, so much of word of God all of us know. I'm sure you all also know so much. I know each of focus a lot on God's word. और भाई कहते हैं कि हाउस ऑफ फेलोशिप के लोग जो हैं वो बहुत सारा वचन में ध्यान देते हैं और आप बहुत सारे वचनों को आप भी जानते होंगे जैसे भाई जानते हैं। Yet when we look at the future, we get worried. लेकिन अपने भविष्य को देखते हैं तो हम डर जाते हैं कई बार। It's given all the promises, every promises for us. Why are we getting worried? जब उन्होंने सारे वायदे हमें दिए हैं, फिर हम क्यों चिंतित होते? Remember what God has spoken to you and act upon it. We will not worry about the future. जब प्रभु ने हमसे क्या कहा है, उसको हम याद रखेंगे, तो हम फिर अपनी भविष्य की चिंताएं नहीं करेंगे। And just one verse in the Bible is sufficient for us not to worry at all. Jeremiah 29:11. और अगर हमें अपने प्रभु की बातों को, वायदे को देखना है, तो यर्मिया 29:11 को हमें ध्यान में रखना है और वो हमें बहुत ढाढ़स देगा। The 366 verses in the Bible, 366 verses which say, fear not, fear not, fear not. और वचन के अंदर 366 ऐसे वचन हैं जहां पर प्रभु ने कहा, मत डर, मत डर। One verse for every day of the week, including leap year. This year is a leap year. और एक आयत अगर हम हर दिन मांगे प्रभु से, मत डर वाली, तो 366 दिन जो लीप ईयर होता है, जैसा इस वर्ष है जिसमें 29 फरवरी होता है, तो उसमें भी आपको पूरे दिन मिल जाएगा वचन। One verse enough for us, but God gave us every day of the year one verse, same verse which says, fear not, fear not, fear not. और हर दिन के लिए प्रभु ने एक आयत बाइबल में लिख दी और जो कहता है उस वचन में वो लिखा है, मत डर, मत डर। So remembering God's promise in the Bible was a faith to face any crisis you might have in the present or even in the future. So परमेश्वर के वायदों को स्मरण करना और उसके द्वारा से हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रभु ने बीते वर्ष, बीते समय में हमारे साथ कैसे विश्वास योग्य रहे और आने वाले दिनों में ऐसे ही वो विश्वास योग्य बने रहेंगे। Now, sixth resource for us to grow in faith is the fellowship of God's people. और छठी बात जो हमें विश्वास में बढ़ने के लिए जो हमारा आधार है वो ये है कि प्रभु के लोगों के साथ संगति में बढ़ना। When we meet together, we're supposed to encourage each other in the faith. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाएं। In Romans chapter 1 verse 11 and 12 Paul writes, रोमियो पहला अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, I long to see you and impart to you some spiritual gift to make you strong, that you and I be mutually encouraged by each other's faith. Okay, वो ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। And be encouraged by each other's faith. और एक दूसरे का विश्वास बढ़ जाए। और most days the churches had a lot of persecution and they all met together not only to worship God, to hear God's word, to pray, also to encourage each other in the faith. और उन दिनों में जब बहुत सतावट था, जब पौलुस के समय में जब बहुत सतावट था, तब कलीसिया के लोग आपस में मिलते थे, वचन, सिर्फ वचन पढ़ने के लिए नहीं, इसलिए भी मिलते थे कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। In the book of Hebrews, chapter 10, verse 25, इब्रानियों 10:25 में हम पढ़ते हैं, Let us not stop being together, some are in the habit of doing, but let's encourage each other as long as it's called today. Can you read in Hindi, please? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। So when they met together, they used to have fellowship, a Christ-centered conversation, Christ-centered fellowship, where they encourage each other in the faith. और जब वो लोग मिलते थे इस रीति से संगति सहभागिता के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह उनका केंद्र बिंदु होता था, उनके वार्तालाप का भी, उनके चर्चा का भी, और वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे विश्वास में स्थिर रहने के लिए।
That's why in the church we share testimonies. और इसीलिए कलीसिया के अंदर हम अपनी गवाहियों को देते हैं. In Psalm 9 verse 1 and 2 we read the psalmist writes, I'll praise you, O Lord, at all times. I'll tell of all your wonders. और भजन संहिता 9 उसकी 1 और 2 आयत में भजनकार कहता है मैं तेरे सब कामों का आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा. So when he said testimonies, the primary purpose is to glorify the Lord, give him credit, and also encourage people, build up people. तो जब हम हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए हम प्रोत्साहित करते हैं. हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम लोगों का विश्वास स्थिर हो. But in churches, people don't always share testimonies. They come and listen, they sing and they go, they pray and go. They don't encourage each other in the Lord. और आजकल के समय में जो कलीसिया के अंदर लोग आते हैं, गीतों को गाते हैं और गाने वचन पढ़ते हैं और चले जाते हैं, वो गवाहियों को नहीं देते, अपनी गवाही शेयर नहीं करते. Not only from the pulpit, after the church service over, when you have fellowship, we used to have Priti Bhojan, and then they also have fellowship, a coffee fellowship, tea fellowship. What do we talk about in these fellowships? We talk about everything else except about the Lord. और जब हम मिलते हैं वचन, सिर्फ पुलपिट से ही गवाही नहीं, जब हम आपस में भी सभा समाप्त होने के बाद भी आपस में मिलते हैं, जैसे हाउस ऑफ फेलोशिप में भोजन खाने के लिए हम मिलते हैं या फिर चाय के लिए भी मिलते हैं, तो हम क्या, हमारी बातें क्या होती हैं, किस तरह की बातें हम करते हैं? We discuss about what God spoke to that day. और क्या हम इस बारे में वार्तालाप करते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या बात की आज? What God did to you and spoke to the previous week? और प्रभु ने बीते सप्ताह में मुझसे क्या बातें की और मेरे लिए क्या कार्य किया, हम ये बातें करते हैं. We tell people about his wonders. हम प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं एक दूसरे से. Testimony is not about what we have done for God, but rather what God has done to in and through us. और गवाही देने का मतलब ये नहीं कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया, गवाही देने का मतलब ये है कि प्रभु ने मेरे द्वारा या मेरे लिए क्या किया. We're called to glorify the Lord. हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु की महिमा को प्रकट करें. Glorify him, to exalt him, to praise him. तो उनकी महिमा करें, उनका, उनके नाम को ऊंचा उठाएं और उनकी तारीफ और स्तुति करें. Glorify him is to give him all the credit for whatever good there is in us. उन्होंने उनकी उनके इसलिए महिमा का वर्णन करें क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयां हमारे जीवन में की हैं. To praise him is to speak well of him. उनकी आराधना स्तुति करना मतलब उनके बारे में हम वर्णन करें और उनके नाम को, महान नाम को ऊंचा उठाएं. To exalt him is to lift up his name. और ऊंचा उनके नाम को ऊंचे उठाने का मतलब है कि हम उनका गुणानुवाद करें. They're all different. Glorifying and praising. तो इसलिए प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना और प्रभु के नाम को गुणानुवाद करना, sharing, ये तीनों अलग चीज है. Sharing testimonies to glorify him, to give him credit for whatever has happened in our life, good has happened. जब हम गवाही देते हैं तो हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या अद्भुत काम किए. The purpose of sharing testimony is to glorify his name and be an instrument of encouragement to people. और प्रभु के गवाही देने का मतलब है प्रभु की महिमा करना और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करना. Also, when you hear testimonies, you must know how to receive testimonies. और जब हम लोगों की गवाही सुनते हैं तो हम समझें इस बात को, जाने कि सामने वाले की गवाही को हम किस रीति से लें. Receive testimonies, don't compare yourself and say, oh look what a wonderful thing you did for him, why not for me also, Lord. और जब हम किसी गवाही सुने तो हम ये ना उसके साथ हम तुलनात्मक रूप से ना ले लें उसको कि हे प्रभु तूने उसके साथ तो इतना अच्छा काम किया, मेरे साथ तो नहीं करता तू. Praise and thank God for whatever he did other people's lives. हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे भाई बहनों के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए हैं. Please remember, when God shows no favoritism, whatever happens, somebody's life can happen in your life tomorrow also. और आप अच्छे से इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता. आज उनके जीवन में ये बात अद्भुत बात हुई है, कल आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत बात करेगा. They share testimonies, it's a revelation to them about what God can do in life of a Christian. तो जब हम अपनी गवाहियों को देते हैं तो हम इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु मसीह ही जीवन में अपने हमारे साथ हैं और हमें आशीषित करेंगे. Today in our life, tomorrow lose somebody else's life. आज उसने हमारे जीवन में किया, कल वो दूसरे मसीह के जीवन में करेंगे. How will they know God can do that in their life unless they hear from us? वो हम कैसे इस बात को समझेंगे जब तक हम अपनी गवाही, दूसरे की गवाही नहीं सुनेंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या अद्भुत काम कैसे कैसे करते हैं. Remember, God shows no favoritism, so he loves all his children, he will do wonderful things in our lives also.
और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते, वो अपने सारे संतानों के लिए एक सा व्यवहार रखते हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट वी कंपेयर एंड से लॉर्ड व्हाई दिस डिडंट हैपन माय लाइफ, नथिंग इज हैपनिंग इन माय लाइफ, आई एम वेरी ऑर्डिनरी क्रिश्चियन, वी ऑल कंप्लेन समटाइम्स। और कई बार हम इस बारे में तुलना करने लगते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में तो कुछ होता नहीं, और हम इस तरह की शिकायत प्रभु से करने लगते हैं। वी हैव राइट एटीट्यूड इन लिसनिंग टू टेस्टिमनीज आल्सो। और हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो सही व्यवहार होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, जब हम दूसरे की गवाही सुनते हैं उसको मान लेने के लिए, अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए। Hear a testimony, thank God in your heart for God's work in somebody else's life. और जब हम किसी की गवाही सुनते हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हे प्रभु आप सचमुच में कैसे हमारे जीवनों में काम करते हैं। And go and tell that person, thank you for sharing your testimony. I praise and thank God for what you did in your life. और फिर उस व्यक्ति को जाकर के कहें कि मैं आपके गवाही के लिए धन्यवाद देता हूं, इससे मेरे को प्रोत्साहन मिला। You never envy or be jealous of other people's testimonies. और दूसरों की गवाही से आप जलन ना रखें या उससे चिढ़े मत। Sometimes when you hear amazing testimonies, like for example, someone's driving a car and going in the mountain and he went off the road and the car rolled down the mountain 7 times, it rolled down and then you came out without an injury. You begin to wonder, what a fantastic testimony. और कई बार हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर कार लेकर के जा रहा था और उसी कार नीचे गड्ढे में गिर गई और उसके बाद 7 बार वो पलटी मार के भी उसमें से भी बिना किसी हानि के, बिना किसी चोट के वो बाहर आ गए। They think in your heart, Lord, this thing never happened to me, Lord. और फिर हम प्रभु से कहने पूछने लगे, हे प्रभु ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। Ask yourself a question, do you want to go 7 times rolling in the mountain? तो भाई कहते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप 7 बार पहाड़ से नीचे लुढ़कना चाहते हैं? It's nice to see what already happened, but it's going to happen in your life. You get upset. What will happen? 7 times if I roll the mountain, something might happen to me. Don't worry about all that. Take each day at a time. और फिर जब ये सवाल हमारे सामने आएगा कि मैं 7 बार पहाड़ से नीचे गिरूं, 7 बार लुढ़क कर नीचे गिरूं, तो आप कहेंगे अरे भाई मेरे साथ तो कुछ हो गया, तो लेकिन जब प्रभु ने वायदा किया मैं लेके जाऊंगा तो ले जाएगा वो, फिर क्यों चिंता कर रहे? And please thank God for accident did not happen. Accident did not happen. और हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि मेरे जीवन में दुर्घटना नहीं घटी। For me to cross the road, outer ring road in Munirka is a become minor miracle. और भाई कहते हैं कि जहाँ भाई रहते हैं मुनीरका, वहाँ पे सड़क पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम है। Now they put a whole bridge, foot bridge, but earlier used to cross the road on foot to go to my church. और भाई कहते हैं अभी तो उन्होंने ऊपर पैदल सड़क पार करने का पथ बना दिया है, लेकिन पहले भाई को उसको पार करने के लिए पैदल जाना पड़ता था। और भाई कहते हैं मैं 16 घंटे बैठ करके अमेरिका जा सकता हूँ जहाज में, लेकिन मुनीरका की सड़क पार करना मेरे लिए बहुत बड़ा अद्भुत काम था। So please thank God for accidents did not happen. Accidents they did not happen to you. So हम प्रभु का यही धन्यवाद करें कि मेरे जीवन में प्रभु दुर्घटना नहीं घटी, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। So receive testimonies in the right attitude of praising and thanking God for other person and share your testimony, the primary to glorify God and edify God's people to build up their faith. तो जब हम प्रभु जो लोग हमें प्रभु के नाम से गवाही देते हैं तो उसको हम सही दृष्टिकोण से उसको लें और उससे उससे हमारा विश्वास भी दृढ़ हो और जब हम उसके भी विश्वास के को दृढ़ करें। And number 7 for growing in faith is the anointing of the Holy Spirit. और 7वां जो हम देखते हैं हम विश्वास में बढ़ने के लिए वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक। Now everyone has a measure of faith. All of us have a certain measure of faith which God has given. Romans 12:3 says. और रोमियो 12:3 के आधार पर उसमें लिखा है हमको सबको परिमाण के अनुसार विश्वास मिला है। And this faith depends upon all these different factors: praying for faith, word of God, remembering God's faithfulness in the past, remembering what God spoke to us, having testimony and sharing and having fellowship with God's people. By all this, our faith increases. और ये जैसा हमने अभी सुना कि हमें चाहे वचन पढ़ना है या प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है या फिर विश्वास में एक दूसरे को ऊंचा उठाना है या प्रभु की महिमा करना है या गवाही देना, इन सब चीजों में सबको अलग अलग परिमाण से मिला है और इन सब के द्वारा से हम सबको अलग अलग मिला है ये।
But there are times when we feel the faith we have is not sufficient to meet the crisis we are going to be facing. और कई बार हम ये महसूस करते हैं कि जो विश्वास हमारा है, वो जो समस्या मेरे सामने आई है, उसको पूरा करने के लिए भरपूर नहीं है. The cry out of Jesus, He'll give us the gift of faith through the Holy Spirit anointing to face that crisis. और जब फिर हम प्रभु के सामने चिल्लाएं, रोएं कि हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि मेरे पास विश्वास की घटी है. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक से प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाएंगे. One of the gifts of Holy Spirit is the gift of faith. और पवित्र आत्मा का एक जो वरदान है वो है विश्वास का वरदान. In 1 Corinthians 12 chapter verse 9 talks about the gift of faith. पहला कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय में विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं. Which happens when we ask Jesus anoint us with the Holy Spirit, the anointing, the abhishek as we say in Hindi. With the anointing comes the gift of faith to face the crisis. और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अभिषेक करते हैं और हमारे विश्वास को और बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं. For that situation, for that purpose, He gives us a surge of faith for to face the crisis. और फिर वो हमारे विश्वास को और ऐसा सुदृढ़ कर देते हैं कि हमें फिर हम उस परिस्थिति में या उस कठिन समस्या के समय में हम स्थिर खड़े रह सकते हैं. Accord a surge of faith. Surge is like electricity. We have 220 volts voltage, and sometimes we get an extra over voltage, surge of voltage, surge of current that can sometimes blow the fuse. तो जैसा भाई ने surge शब्द का इस्तेमाल किया, इसका अर्थ ये है कि वो हमारे पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के द्वारा से हमारे विश्वास को और बढ़ा देते हैं. जैसे कि जब लाइट हमारे घर में बिजली जल रही होती है, कभी कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो हमारा बल्ब बहुत तेज जलने लगता है. इस तरह का विश्वास की बढ़ोतरी की चर्चा हम कर रहे हैं. सो फॉर द पर्टिकुलर क्राइसिस वी फेस एट दैट टाइम गॉड गिव अस अ सर्ज ऑफ फेथ व्हिच वी नेवर थॉट वी हैड बिफोर. और जब हम एक समस्या में से होकर गुजर रहे होते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे स्थिर करो, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमारा अभिषेक करते हैं और वो अभिषेक से हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही गिव्स अस एक्स्ट्रा फेथ. और जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो हमारा विश्वास को स्थिर बढ़ाते. He is a faithful God. He won't allow us to be tempted more than we can bear. When temptation comes, He'll give us strength and the surge of faith to face temptation. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. वो हमारे आवश्यकता के अनुसार ही हमारे को परीक्षा देते हैं, और जब परीक्षा भी देते हैं तो वो हमारे को उसके उसमें उससे पार होने के लिए सामर्थ और अभिषेक भी देते हैं. Obedience comes from faith. Romans chapter 1 verse 5. और आज्ञाकारिता जो है वो विश्वास के द्वारा आती है. रोमियो 1:5 के आधार पर. When you face a very great crisis, you wonder, Lord, I don't have faith to face it. Lord, so I'll give you strength. And He gives us faith to face the crisis. So never fear a potential temptation. और जब हम किसी परीक्षा में से या परेशानी में से गुजर रहे होते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार सामर्थ्य देंगे, ताकि हम उसमें से उत्तीर्ण हो जाएं या निकल जाएं, पार हो जाएं. Lord Jesus Christ anoints us with the Holy Spirit, and with that anointing comes the gift of faith. और प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से अभिषेकित करते हैं, और जब वो हमारा अभिषेक करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है. If you look at Matthew chapter 7 verse 9 to 11, can you read in Hindi please? मत्ती 7वां अध्याय उसकी मत्ती 7 और उसके 9 से लेकर 11 आयत को हम पढ़ते हैं. तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे. सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा. अच्छी वस्तुएं मीन्स गुड गिफ्ट्स. तो अच्छे वस्तुएं का मतलब अर्थात अच्छे वरदान क्यों नहीं देंगे. एंड फेथ इज अ गुड गिफ्ट. और विश्वास जो है वो अच्छा वरदान है. And we ask Heavenly Father, He will give us through Jesus and through the anointing faith to face every crisis. और जब हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से अभिषेकित करते हैं और हमें विश्वास को हमारे बढ़ाते हैं. So praise God for this amazing resource He's given us, and therefore let us not think that we can't face a crisis. He will give us
the resources we need to face. और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसे सामर्थी साधनों को रखा है जिसके द्वारा से वो हमें परीक्षाओं में निकल जाने के लिए सहायता करते हैं। And next week we look at other aspects of the effect of faith. और हम और भी कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा से हमारा विश्वास को जो बढ़ाता है या घटाता है। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।